गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. यस्टरडे वी लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड सेंटेंस एंड यू ऑल्सो न्यू वॉट इज अ सब्जेक्ट, वॉट इज अ प्रेडिकेट. नाउ टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर टू. एक्सरसाइज नंबर टू दैट सेज डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाई पुटिंग अ स्लैश. यानी स्लैश पुट करके आपको सब्जेक्ट सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है. तो द कैरिज इज एट द डोर. हमर सब्जेक्ट इज द कैरिज is at the door, that is predicate. London is on the Thames, London is subject. Abdul has gone, Abdul is subject. Rama was punished, Rama is subject. Some bad boys smoke cartridges, some bad boys is subject. He goes to church on Sundays, here he is subject. सारे sentences में जो ध्यान देने की बात है वो ये है आपके सामने कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वहीं से हमारा प्रेडिकेट है. मीन्स आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करने की, कि जैसे ही आपको वर्ब मिल जाता है आप वर्ब से एंड तक के पार्ट को प्रेडिकेट के रूप में मैनेज कर लेंगे. आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हों. अ सेंटेंस मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड लाइक रन और आंसर. इन सच अ केस इट इज क्लियर दैट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इम्प्लाइड. इम्प्लाइड मीन्स हिडन है, उसको सपोज कर लिया गया है, पूरा नहीं बोला गया है. तो हमारा जो सेंटेंस है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड्स का भी हो सकता है. दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट. इफ आई शुड रन टू यू आई मीन यू रन. तो जो इम्प्लाइड पार्ट होता है जो हम नहीं दिखाते हैं वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है. और इम्प्लाइड मीन्स उसको हम मेंशन नहीं करते हैं. जैसे मैंने कहा रन, इसका मतलब किससे कहा, तुमसे कहा, यू से कहा, देन यू रन इज द कंप्लीट सेंटेंस एंड सब्जेक्ट बिकम्स यू. इफ यू नॉक एट माई डोर एंड आई से कम इन. आपने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, नॉक नॉक नॉक, और मैंने कहा कि चलो यू कम. तो कम इन मीन्स किसको आना है, यू को आना है. इसका मतलब हुआ कम इन मीन्स यू कम इन एंड हियर सब्जेक्ट इज यू. ओके. ऑल्दो आई ओमिट द सब्जेक्ट यू. ओमिट मीन्स होता है मेंशन ना करना या ना बोलना. ओके. नाउ हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर थ्री है और हम एक्सरसाइज नंबर थ्री की तरफ ध्यान देते हैं. द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैव नो सब्जेक्ट्स. गिव ईच वन अ सब्जेक्ट एंड कम्प्लीट द सेंटेंस. यहाँ पर आपको इन्होंने प्रेडिकेट दिए हुए हैं, आपको सब एक के लिए एक सब्जेक्ट देना है. मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सब्जेक्ट्स फिल कर दिए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट दैट सूट्स द पार्ट आप उसको फिल कर लेंगे. सच एज इज स्वीट. अब स्वीट क्या हो सकता है, दिस मैंगो कैन बी स्वीट, दिस टी कैन बी स्वीट, योर लैंग्वेज कैन बी स्वीट, योर जेस्चर्स कैन बी स्वीट. तो आप कोई भी चीज़ जो स्वीट होती है उसको यहाँ फिल कर सकते हैं. कॉट अ माउस, चूहे को पकड़ा, कौन पकड़ेगा, ऑब्वियसली द कैट. कॉट अ माउस, बिल्ली ही चूहे को पकड़ेगी. हैज थ्री विंडोज, विंडो है थ्री, किसमें, ऑब्वियसली द रूम हैज. लव लिटिल पुसी, मुझे लिटिल पुसी बहुत पसंद है. पुसी इज अ कैट, तो इसमें आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है. लाइक मिल्क, अब दूध को तो कोई भी लाइक कर सकता है, ऑब्वियसली वी लाइक मिल्क, आई लाइक मिल्क, यू लाइक मिल्क, दे लाइक मिल्क, चिल्ड्रन लाइक मिल्क, वॉट एवर द सब्जेक्ट यू कैन सप्लाई. बिल्ड नेस्ट, नेस्ट को कौन बनाएगा, श्योरली इट इज श्योर दैट ओनली बर्ड्स विल बिल्ड द नेस्ट. द क्रो इज क्रोइंग, क्रो कौन करेगा, क्रो ही करेगा. हाउ वेल सिंग्स, हाउ वेल कितना अच्छा गाती है, कौन, शी और ही. और यू कैन राइट एनी नेम, हाउ वेल रीना सिंग्स, हाउ वेल लता सिंग्स. इज रिंगिंग, रिंग कौन करेगा, ओनली द बेल, द बेल इज रिंगिंग. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड, बहुत साल पहले रहता था. आमतौर पर कहानियों में होता है, स्टोरीज में, तो अ गुड बॉय भी हो सकता है, अ किंग हो सकता है, अ घोस्ट हो सकता है, एनी थिंग देयर कैन बी दैट यू कैन सपोज. ओके. नाउ यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेस. इफ यू हैव बुक यू शुड कम्प्लीट दीज एक्सरसाइजेस इन योर बुक
एंड देन वेन एवर वी कॉल यू यू शुड कम एंड गेट दैट चेक बट टूडे वेन यू कम्प्लीटली फिल योर बुक देन सेंड इट टू मी ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे